अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो मिलियनेरो, मैंने आपको टेस्ट दो बार दिए रमजान में। बाय द वे दिस इज अ टेस्ट फॉर माय मुस्लिम ऑडियंस, सॉरी नॉन मुस्लिम वाले आप देख सकते हो, बट थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड अल्लाह आपको बहुत कुछ दे, बट दिस इज फॉर माय मुस्लिम ऑडियंस ओनली। आपके मुतलका कोई और टेस्ट आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। अच्छा जी, मुझे आपको ज्यादा पैसे कमाने वाला बनाना है, मुझे आपको लीडर बनाना है। तो ये जो टेस्ट है वो सिंपली ये है कि आने वाले हफ्ते में आपने एक कम से कम एक जमात को लीड करना है नमाज की। और कौन सी मैं कहूँगा, असर जोहर वाली से शुरू करो, उसमें आपको ऊंचा नहीं बोलना पड़ता। हम लोग जमात क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग सुन रहे हैं मेरी किरत अच्छी नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, मखलूक के लिए नहीं पढ़ते। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है और वी नीड टू चेंज दैट। और जो नमाज पर आ सकता है ना, जो लीड कर सकता है ना बंदों को, वो बिजनेस तगड़ा कर सकता है, वो बिजनेस लीडर अच्छा बन सकता है। मेरा जिंदगी में कई बार लोगों के साथ, जिसको आप ऊंचा कहोगे फेमस कहोगे, उनके साथ वास्ता ऐसे पड़ा कि पसे पर्दा कैमरे के वो दे अग्री विद मी, लेकिन उनमें जरूरत नहीं है कि कैमरे पे वो मेरा साथ दे सके। बिकॉज क्या कहते हैं, अपना दिखाने के दांत कुछ और हैं और चबाने के कुछ और हैं। हमें ये बदलना है अपने आप को। एक आई डोंट नो हदीस है या कॉल है, आपने सुना होगा कि एक जमाना आएगा कि जमाती यानी पीछे खड़े होंगे नमाजी वाले, लेकिन आगे इमाम नहीं होगा कोई आगे उसको पढ़ाने वाला। तो मैं समझता हूँ कि हम ना उस जमाने के बिल्कुल करीब पहुंचे और उसे मैं रिवर्स करना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू रिवर्स दैट। मैं फाउंडेशन रखना चाह रहा हूँ खिलाफत की, और खिलाफत के लिए मुझे लीडर्स चाहिए। मेरी दुआ अपने लिए होती है और अपनी औलाद के लिए होती है, बट आई शुड चेंज दैट एंड एडेड टू यू। आप लोगों को भी उसमें शामिल करना चाहिए कि अल्लाह मेक मी ए लीडर ऑफ द मुत्तकीन, और मेरी औलाद को भी ऐसा बनाना। सो ये दुआ आपने मांगनी है। एंड इस हफ्ते अगले 7 दिनों में अपनी बेगम को साथ खड़ा करें, इफ यू आर मैरिड, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। औलाद है आपकी तो माशाल्लाह, उनको साथ खड़ा करें, अम्मी को, बहनों को, भाइयों को। ऑफिस में ट्राई टू लीड वन सलाह, वन जमात आपने करवानी है। और मैं इसलिए कहता हूँ ये असर जोर वो, क्योंकि आसान है, आपके सीखने के लिए अच्छा है। और अंदर का एक्सपीरियंस ये है कि जब मैंने ये सुनी ना हदीस या कॉल, तो उस वक्त मेरी नीयत बदली, नहीं 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 भाई, मैंने उस ज़माने में नहीं रहना, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ज़माना। तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को फोर्स किया कि जमात कराऊं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब आदत सी पड़ गई है। सो आई वांट यू टू स्टार्ट द सेम, और आप में बहुत हौसला पड़ेगा, बड़े बड़े पहाड़ आप यानी तराश पाओगे इफ यू हैव हौसला, और हौसला यहाँ से आता है। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू। ये मेरा चैलेंज है मिलियनेरो, आई एम ऑफ टू इस्लामाबाद। वो वीडियो आप देखोगे इंशाल्लाह आन करीब। ओके, बता नहीं रहा, नजर ना लग जाए। सो गुड लक टू यू गाइस, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और कमेंट में बताना कौन जमात कराता है, कौन नहीं, जो कराता है वो नहीं, अगर कराते हो तो फायदा बताओ, मैंने बात सही बोली कि नहीं, एंड जिसने कराई कमेंट में बताना। एंड अल्लाह आपकी नीयतों को साफ रखे, अल्लाह आपकी आपको तकब्बर से बचाए, क्योंकि इमाम को ना पहले जाकर शैतान उस पर हमला करता, कहते हैं ना कितना तो खन्ने हार मान गया आज। सो अल्लाह आपको उस तकब्बुर से बचाए, आमीन। इससे पहले कि गुरबत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम आजाद हो जाओ।